सेक्शन 55 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को हमने अपने कल के वीडियोस में स्टार्ट किया था। आज उसी डिस्कशन को हम फर्दर आगे बढ़ाते हुए उसके बचे हुए प्रोविजंस के बारे में बात करेंगे। सो दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ सेक्शन 55 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। देखो सेक्शन 55 राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ बायर एंड सेलर को डिस्क्लोज करता है। अगर बायर और सेलर ने कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल में एंटर करते समय अपने अपने राइट्स और लाइबिलिटीज को मेंशन कर दिया है तो उन पर वही राइट्स और लाइबिलिटीज एप्लीकेबल होते हैं। इन केस अगर उन्होंने इन कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल और सेल डीड अपने अपने राइट्स एंड लाइबिलिटीज को नहीं मेंशन किया है तो उनके ऊपर सेक्शन 55 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं, जो कि राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ बायर एंड सेलर को डिफाइन करते हैं। क्लियर? अब देखो, अगर आपको याद हो तो अपने कल के वीडियोस में हमने देखा सेक्शन 55 में जिन राइट्स एंड लाइबिलिटीज के बारे में बात किया जाता है वो 6 पैराग्राफ्स में डिवाइड है। पैराग्राफ 1, 2, 3 सेलर के लाइबिलिटीज को डिस्क्लोज करता है। पैरा 4 सेलर के राइट्स को डिस्क्लोज करता है। पैरा 5 बायर के लाइबिलिटीज को शो करता है और पैरा 6 बायर के राइट्स को शो करता है। तो हमने कल के वीडियोस में ये जाना पैरा 1 क्या कहता है और हमने ये भी समझा कि पैरा 1 ऑफ सेक्शन 55 फर्दर डिवाइड है 7 क्लॉजेस में, क्लॉज ए से लेकर के क्लॉज जी तक। हमने उन 7 क्लॉजेस को एकदम सिंपल मैनर में समझा। देखो अगर आप इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंस को देखो तो कई बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, व्हाट डू यू मीन बाय सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, डिस्कस राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ बायर एंड सेलर। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है और लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है और आप ऐसे ही जैसे मैं आपको यहां बता रहा हूं, अगर आप इन्हीं पॉइंट्स को वहां पर जा करके एज इट इज लिखते हो तो आपके एक भी नंबर नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो पैरा 1 हमने समझ लिया है, अब पैरा 2। पैरा 2 और पैरा 3 ये भी सेलर के लाइबिलिटीज को शो करता है, तो यहां भी हम सेलर के लाइबिलिटीज के ही बारे में बात करें। पैरा 2 कहता है सेलर मस्ट हैव कैपेसिटी टू ट्रांसफर। अब जरा याद करो, जब हमने सेक्शन 54 यानी सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी को पढ़ा, जब हमने सेल क्या है इसे समझा, तो हमने नोटिस किया कि जो सेल है उसके कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट 1, सेल में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होता है। ठीक है, एलिमेंट 2, सेल किसके अगेंस्ट होता है, कंसिडरेशन के, और कंसिडरेशन प्राइस मनी के फॉर्म में होता है। सेल में 2 पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट होता है, वन इज बायर एंड अनदर इज सेलर। और 4th एलिमेंट में हमने जाना कि सेलर जिस भी प्रॉपर्टी को सेल के माध्यम से ट्रांसफर करना चाहता है वो उसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकता है सेल के माध्यम से जिसके ऊपर वो ओनरशिप रखता हो। यानी सेलर मस्ट पोजेस ओनरशिप ओवर द प्रॉपर्टी विच
ही वॉन्ट्स टू ट्रांसफर। क्लियर? तो यहां पे कहता है पैरा टू में कि जो सेलर है मस्ट हैव कैपेसिटी टू ट्रांसफर, उसके पास उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने का राइट होना चाहिए। अ पर्सन कैन सेल ओनली दैट प्रॉपर्टी, जो पर्सन है वो केवल उसी प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है ऑन विच ही पॉसेस ओनरशिप, जिसपे वो ओनरशिप रखता हो या उसके पास राइट हो ट्रांसफर करने का। ठीक है, देखो कह रहा है एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 54, यानी सेल और उसके एसेंशियल एलिमेंट्स। ठीक, आगे कह रहा देखो, प्रोवाइडेड दैट इफ कॉन्ट्रैक्ट इज ऑफ फिड्यूशियरी नेचर, यदि जो कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल है वो फिड्यूशियरी नेचर का है, यानी वो विश्वास पे बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन फेथ बिटवीन द पार्टीज। ऐसे कंडीशन में कह रहे हैं पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ सेल मस्ट डिस्क्लोज टू बायर, कह रहे हैं जो पर्सन सेलर के बिहाफ पे एक्ट कर रहा है, जिसे सेलर ने ऑथराइज्ड किया है कि तुम प्रॉपर्टी के ट्रांसफर को एक्सेप्ट करोगे इन माय एब्सेंस। ठीक है, तो वो पर्सन डिस्क्लोज करेगा बायर को दैट प्रॉपर्टी इज फ्री फ्रॉम एवरी काइंड ऑफ एनकम्ब्रेंसेस। एनकम्ब्रेंसेस का मतलब होता है चार्जेस, एंड सेलर इज नॉट हाइडिंग एनी फैक्ट। देखो यहां पे क्या कह रहे हैं, यहां पे फर्दर ये कहा गया है कि अगर जो कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल है वो फिड्यूशियरी नेचर का है, यानी विश्वास पे बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन ट्रस्ट बिटवीन बायर एंड सेलर, तो सेलर या सेलर के द्वारा ऑथराइज्ड किया हुआ कोई भी पर्सन, उसे बायर को बिलीफ यानी विश्वास दिलाना है कि जो सेलर है वो आपसे कोई भी फैक्ट रिगार्डिंग प्रॉपर्टी नहीं हाइड कर रहा है, इज नॉट हाइडिंग एनी फैक्ट, और तो और जो प्रॉपर्टी है इट इज फ्री फ्रॉम एवरी काइंड ऑफ एनकम्ब्रेंसेस, ये जो प्रॉपर्टी है इस पे किसी भी प्रकार का जो चार्ज है वो ड्यू नहीं है। ठीक है, ओके, देखो जब आप बेयर में जाओगे तो वहां टेक्निकल वर्ड्स का यूज किया गया है, यहां पे एकदम सिंप्लीफाइड करके बताया गया और आप ऐसे ही एग्जाम में जाकर के लिखोगे। ठीक है, ओके, तो ये हो गया पैरा टू। अब देखो पैरा थ्री में क्या है, पैरा थ्री में भी क्या है, सेलर का लाइबिलिटीज है, सेलर लाइबिलिटीज कह रहा है सेलर इज बाउंड टू डिलीवर डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल डीड्स, जो सेलर है वो बाउंड है कि वो टाइटल डीड्स यानी प्रॉपर्टी के जो भी पेपर हैं उनको डिलीवर करे, विच आर इन हिज पोजिशन, जो कि उसके पोजिशन में है, यानी सेलर के पोजिशन में जो भी प्रॉपर्टी के टाइटल डीड्स हैं वो उन्हें क्या करे, ट्रांसफर करे, डिलीवर करे, किसको, बायर को। इफ होल ऑफ द परचेज मनी हैज बीन पेड, यदि सारे पैसे बायर ने पेमेंट कर दिया है तो ये ड्यूटी है, ये लाइबिलिटी है सेलर का कि सेलर के पोजीशन में प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी टाइटल डीड्स हैं उन्हें अब वो तुरंत क्या करे, बायर के पास ट्रांसफर कर दे। आगे कहता है प्रोवाइडेड दैट, अब इसमें दो बातें हैं, देखो कह रहा है वेयर द सेलर सोल्ड हिज प्रॉपर्टी बट रिटेन्ड एनी पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी विथ हिमसेल्फ ही मे कीप टाइटल डीड्स विथ हिमसेल्फ। देखो क्या कह रहा है, अब पहली बात तो ये कि सेलर बाउंड है कि वो टाइटल डीड्स को तुरंत डिलीवर करेगा, किसको, बायर को, अगर बायर ने पूरा परचेस मनी पे कर दिया। अब यहां पे प्रोविजो है और दो कंडीशंस डिफाइन किए गए हैं। कंडीशन वन में कह रहा है
कि मान लो जो सेलर है उसने जिस भी प्रॉपर्टी को सेल किया है उस प्रॉपर्टी के कुछ पार्ट को अपने पास रखा हुआ है, यानी उस प्रॉपर्टी के कुछ पार्ट को ही रिटेन्ड विथ हिमसेल्फ, कुछ पार्ट को उसने अपने पास रखा है, वो उन्हें नहीं सेल किया है। ऐसे कंडीशन में जो सेलर है वो प्रॉपर्टी के टाइटल डीड्स को अपने पास रख सकता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। मान लो ये है आपका सेलर ए, ये है बायर बी, ये है सेलर का प्रॉपर्टी, ठीक है। अब मान लो इस प्रॉपर्टी को मिस्टर ए मिस्टर बी को बेचना चाह रहा है। अब मान लो इस प्रॉपर्टी में कई सारे रूम्स हैं, मान लो 6 कमरे हैं इस रूम में, इस मकान में मान लो 6 कमरे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब कह रहा है कि मान लो इस प्रॉपर्टी के 5 रूम्स को मिस्टर ए ने मिस्टर बी को बेच दिया, लेकिन एक रूम को उन्होंने नहीं बेचा। तो ये कह रहा है ऐसे कंडीशन में आप देखते होंगे कि कई सारे जो जो बड़े बड़े जो फील्ड होते हैं, जो बड़े बड़े लैंड होते हैं, उनमें पार्टीशन होता है, वो कई सारे पार्ट्स में डिवाइड होते हैं और हर एक पार्ट्स के जो ओनर होते हैं वो अलग अलग होते हैं, राइट। क्या ये भी हो सकता है कि अगर बड़ा सा फील्ड है तो उसके कुछ पार्ट को ओनर अपने पास रखता है और बाकी पार्ट्स को बेच देता है। तो वही कह रहा है कि मान लो उसने प्रॉपर्टी बेची, सेलर ने प्रॉपर्टी बेची, लेकिन प्रॉपर्टी के कुछ पार्ट को अपने पास रख लेता है। तो ऐसे कंडीशन में जो सेलर है वो अपने पास प्रॉपर्टी के टाइटल डीड्स रख सकता है। कंडीशन वन क्लियर। अब देखो कंडीशन टू कह रहा है वेयर होल ऑफ सच प्रॉपर्टी इज सोल्ड टू डिफरेंट बायर्स, बायर हु परचेज्ड ग्रेटेस्ट वैल्यू इज एंटाइटल्ड टू टेक टाइटल डीड्स विथ हिमसेल्फ। इसे हम समझते हैं, जैसे मान लो इस एग्जांपल में मान लो 6 कमरे थे, यहां पे मिस्टर ए कौन था, सेलर था, और मान लो कई सारे बायर हैं, मान लो बी सी डी और ई, ये 4 मान लो बायर हैं। मान लो मिस्टर बी ने 1 कमरा खरीदा, मिस्टर सी ने 2 कमरा परचेज किया, और वहीं मान लो सपोज 3 बायर है, और मान लो मिस्टर डी ने 3 कमरे परचेज किए, तो 3 × 2 = 5 = 6 रूम्स हो गए, 6 × 6 परचेज बाय डिफरेंट बायर्स। तो यहां पे कह रहा है कि वो बायर हु परचेज्ड ग्रेटेस्ट वैल्यू, यानी मिस्टर डी, क्योंकि मिस्टर डी ने 3 कमरे खरीदे हैं, यानी इसका क्या है, ही इज हैविंग ग्रेटेस्ट वैल्यू, ही हैव टेकन ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी। तो जिस भी पर्सन के पास उस प्रॉपर्टी का ज्यादा वैल्यू होगा उसी के पास प्रॉपर्टी के टाइटल डीड्स होंगे। क्लियर, ओके। आगे कहता है बट इन बोथ सिचुएशंस, इन दोनों ही सिचुएशन में कह रहे दे आर बाउंड अपॉन एवरी रीजनेबल रिक्वेस्ट बाय बायर और बायर्स। दे आर बाउंड यानी कंडीशन वन में या कंडीशन ए में जो सेलर है जिसने प्रॉपर्टी के कुछ पार्ट को अपने पास रखा है, और कंडीशन टू में वो बायर जिसने ग्रेटेस्ट वैल्यू पे किया है, हाईएस्ट वैल्यू पे किया है, वो दोनों ही पर्सन्स क्या है, बाउंड है अपॉन एवरी रीजनेबल रिक्वेस्ट बाय बायर और बायर्स। यानी इस कंडीशन में वो बायर, ठीक है, जिसको मिस्टर ए ने प्रॉपर्टी सेल किया था, और इस कंडीशन में सभी बायर्स के बारे में बात हो रहा है एक्सेप्ट वो जिसके पास क्या है, प्रॉपर्टी के टाइटल डीड्स है, हु इज होल्डिंग ग्रेटेस्ट वैल्यू इन द प्रॉपर्टी। कह रहा है तो दोनों ही पर्सन्स, दोनों ही कंडीशन में दोनों ही पर्सन्स जिनके पास टाइटल डीड्स हैं वो बाउंड हैं कि जब कभी भी जो बायर्स हैं
वो रिक्वेस्ट करेंगे कि मुझे प्रॉपर्टी के टाइटल डीड्स दिखाओ, तो वो बाउंड है कि उन बायर्स को प्रॉपर्टी के टाइटल डीड्स को प्रोड्यूस करेंगे उनके सामने एट देयर ओन कॉस्ट। क्लियर? चलिए अब आगे कह रहा है, इट इज ड्यूटी ऑफ हिम टू टेक केयर टाइटल डीड्स। अब यहां कह रहा है कि जो भी पर्सन हैं जिनके पास टाइटल डीड्स हैं, जैसे कंडीशन ए में सेलर और कंडीशन बी में बायर हु इज हैविंग ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, दोनों ही पर्सन जिनके पास टाइटल डीड्स हैं वो क्या करेंगे, उन टाइटल डीड्स को संभाल कर रखेंगे विद रीजनेबल केयर। क्लियर? आई होप आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। चलिए, तो वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो आगे पैरा फोर, पैरा वन टू थ्री में हमने सेलर के लाइबिलिटीज के बारे में बात कर लिया। अब पैरा फोर सेलर के राइट्स को डिफाइन करता है। आइए, राइट ऑफ सेलर, इसमें कह रहा है अंटिल द सेलर रिसीव्ड होल मनी और टिल द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, जब तक जो सेलर है उसे पूरा पैसा नहीं मिल जाता या जब तक वो प्रॉपर्टी के पोजीशन को ट्रांसफर नहीं कर देता है बायर को, तब तक जो सेलर है उसके पास राइट है कि वो सभी प्रकार के रेंट्स, सभी प्रकार के प्रॉफिट्स को अपने पास रखेगा विच अराइजेस फ्रॉम प्रॉपर्टी। क्लियर? आगे कह रहा है बी में, सेलर हैविंग राइट टू रिकवर कंसिडरेशन अमाउंट बीइंग मेंशन इन कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल में जो भी कंसिडरेशन का अमाउंट मेंशन किया गया है कि ये जो प्रॉपर्टी है इसे बायर इतने पैसे में परचेज करेगा, इनकेस बायर कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन उस प्राइस मनी को नहीं दे रहा है या उससे कम दे रहा है, ऐसे कंडीशन में जो सेलर है उसके पास राइट है कि वो बायर के खिलाफ लीगल एक्शन ले सकता है। क्लियर? अब आइए पैरा फाइव, पैरा फाइव बायर के लाइबिलिटीज के बारे में बात करता है। तो अभी तक हमने सेलर के लाइबिलिटीज और सेलर के राइट्स को समझा, अब हम बायर के लाइबिलिटीज को समझेंगे। अब देखो ए कह रहा है बायर इफ ओमिटेड टू मेक डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल फैक्ट्स टू सेलर, इट विल बी कॉन्सिडर्ड एज फ्रॉड। यहां पे क्या है कि जैसे पैरावन में सेलर की लाइबिलिटी थी कि वो सभी मटेरियल फैक्ट्स को डिस्क्लोज करेगा बायर के सामने, और यदि वो ऐसा नहीं करता है तो इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ फ्रॉड, हमने बात किया था। सेम उसी तरह जो बायर है वो भी क्या करेगा, सभी मटेरियल फैक्ट्स को सेलर के सामने डिस्क्लोज करेगा, अगर वो ऐसा नहीं करता है इट ऑल्सो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ फ्रॉड। मटेरियल फैक्ट्स क्या होते हैं? मटेरियल फैक्ट्स ऐसे फैक्ट्स जो आसानी से पकड़ में नहीं आते हैं, दोज डिफेक्ट्स विच आर नॉट इजिली रिकवरेबल, जिसे हम आसानी से आप कह सकते हो कि कैच नहीं कर सकते, उसे हम कहते हैं मटेरियल फैक्ट्स। अब बायर के रिस्पेक्ट में मटेरियल फैक्ट्स क्या हो सकते हैं? एग्जाम्पल, जैसे मान लो ये है सेलर हु रिसाइड्स अब्रॉड इन एनी कंट्री, जो किसी विदेशी मुल्क में रह रहा है, जो किसी विदेश में रह रहा है, ठीक, और इसका कोई प्रॉपर्टी है जो कि सिचुएटेड है इंडिया में, राइट, और इंडिया में कोई बायर है, सपोज मिस्टर बी इस प्रॉपर्टी को परचेज करना चाहते हैं। नाउ
अब सेलर तो अब्रॉड है, वो इस प्रॉपर्टी के रियल वैल्यू को नहीं जानता है। मिस्टर बी जो कि इंटरेस्टेड है इस प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए, वो अपने पर्सनल गेन के लिए बायर सॉरी सेलर जो कि अब्रॉड में बैठा हुआ है उसे मैनिपुलेट करता है और कहता है कि मार्केट में इस प्रॉपर्टी का जो प्राइस है वो है 50 लाख रुपीज, लेकिन एक्चुअली इस प्रॉपर्टी का जो मार्केट प्राइस है सपोज वो है 60 लाख रुपीज। तो यहां पे आप देख रहे हो इट इज वॉर, यहां पे मिस्टर बी जो कि बायर है वो सेलर को मैनिपुलेट कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड मटेरियल फैक्ट। तो यदि बायर ऐसा करता है तो भी ये फ्रॉड के कैटेगरी में आएगा, ठीक है। तो इट इज द लायबिलिटी ऑफ बायर टू डिस्क्लोज ऑल मटेरियल फैक्ट्स रिगार्डिंग प्रॉपर्टी, क्लियर। बी कह रहा है इफ सेलर इज रेडी टू ट्रांसफर पोजीशन, इट इज ड्यूटी ऑफ बायर टू टेक पोजीशन ऑन सच डेट। अब मान लो कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन था कि सबसे पहले आपको मनी पे करना है, उसके बाद जो प्रॉपर्टी है उसका पोजीशन इस डेट पे इस टाइम पे हो जाएगा। तो अगर सेलर अपने पोजीशन को ट्रांसफर करने के लिए रेडी है तो इट इज द लायबिलिटी ऑफ बायर कि वो प्रॉपर्टी के पोजीशन को उसी डेट पे ले, क्लियर। अब सी देखो कह रहा है इफ पोजीशन इज विथ बायर, यदि जो पोजीशन है वो बायर के पास है, ठीक है, बट पेमेंट इज येट नॉट मेड, बायर मस्ट टेक केयर ऑफ प्रॉपर्टी एंड ट्रीट विथ रीजनेबल केयर। अब ये भी हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल में दोनों पार्टीज ने अपने अपने सहमति से अग्री किया हो कि आपको जो प्रॉपर्टी का पोजीशन है वो अगर आप इतना अमाउंट पे कर दे रहे हो तो प्रॉपर्टी का पोजीशन आपको मिल जाएगा, बाद में आप जितने पेमेंट बाकी है उतना पेमेंट करते रहना, अगर मान लो ऐसा है। यानी जो प्रॉपर्टी का पोजीशन है वो बायर के पास आ चुका है और बायर ने अभी कंप्लीट पेमेंट नहीं किया है, ऐसे कंडीशन में बायर कि ये लाइबिलिटी है कि वो प्रॉपर्टी को अच्छे से देखभाल करे, उसे नुकसान ना पहुंचाए, क्लियर है। तो ये था पैरा 5 जिसमें हमने बायर के लाइबिलिटीज को समझा। आइए पैरा 6 विच इज लास्ट पैरा जिसमें बायर के राइट्स के बारे में बात किया जाता है उसे समझते हैं। यहां भी दो पॉइंट्स है, पहला देखो बायर का ये राइट है कि वो कलेक्ट करेगा सभी रेंट्स सभी प्रॉफिट्स को अराइजिंग आउट ऑफ प्रॉपर्टी आफ्टर परचेज। एक बार बायर ने अगर प्रॉपर्टी खरीद लिया तो उस प्रॉपर्टी से जो भी रेंट अराइज होगा जो भी प्रॉफिट्स आएगा इट ऑल गोज टू बायर जिसने प्रॉपर्टी को परचेज किया, ठीक। दूसरा कह रहा है If any charge is due on property and buyer come to know after purchasing, charges will be paid by buyer, but buyer can deduct such amount from prize money. अब देखो buyer ने property purchase कर लिया seller से, बाद में उसे पता चल रहा है इस property पे कुछ charges हैं कुछ encumbrances हैं, वो क्या है ड्यू है जिनका पेमेंट करना बाकी है और सेलर ने उनका पेमेंट अभी तक नहीं किया है। तो एक बार अगर आपने प्रॉपर्टी परचेज कर लिया तो प्रॉपर्टी के ओनर आप हो गए, तो ये सभी चार्जेस आप पे लाई करेंगे। तो ऐसे कंडीशन में जो बायर है वो बाउंड है कि वो इन सभी चार्जेस का पेमेंट करेगा, लेकिन उसके पास राइट है कि वो कंसिडरेशन अमाउंट से या प्राइस मनी से
उतने चार्जेस के अमाउंट को डिडक्ट कर सकता है फ्रॉम सेलर। ठीक है, तो दिस इज द एंड ऑफ वीडियो। इस वीडियो में, इस छोटे से लेक्चर में हमने सेक्शन 55 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 को एकदम सिंपल मैनर में समझने की कोशिश करी। आई होप कि वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी। तो अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस को लाइक जरूर करें।